ये देखिए कितना अच्छा, कितना टेम्पटिंग बना है हमारा होममेड ब्रेड पिज़्ज़ा। आप भी ज़रूर ट्राई करें हमारी ये ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी, एकदम परफेक्ट, एकदम इजी और एकदम सिंपल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैदराबादी फूड हब। आज मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही सिंपल सबका फेवरेट ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी। इसके लिए पहले मैंने यहाँ पर चिकन ले लिया है और चिकन को मैंने बारीक बारीक पीसेस करके बोनलेस को फ्राई कर लिया है। बेसिक नमक मिर्ची और थोड़ा सा बटर और दही लगाकर इसे फ्राई कर लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए चार ब्रेड की स्लाइस ली है मैंने। पहले हमें क्या करना है, हम बटर अप्लाई करेंगे थोड़ा सा, चारों स्लाइस पे सिर्फ वन साइड अप्लाई करेंगे। ये देखिए इस तरह से चारों स्लाइसेस पे आप पहले बटर लगा लें। मैं आपको पहले एक ही करके बताऊंगी। चलिए मैं अब आपको बताती हूँ इसकी लेयरिंग। जिस साइड आपने बटर लगाया है उस साइड हम नीचे रखेंगे और दूसरा साइड हम अप्लाई करेंगे पिज्जा सॉस। अगर आपके पास पिज्जा सॉस नहीं है तो आप उसे थोड़ा सा मेयोनेज लगाएं और टोमेटो सॉस लगाएं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है उससे भी। हम वो कॉम्बिनेशन भी लगाएंगे और ये भी लगाएं। चलिए इसमें डालेंगे हम थोड़े से कैप्सिकम, ऑलिव्स, थोड़ा सा कॉर्न ऐड करेंगे और साथ ही डालेंगे हम चिकन जो हमने फ्राई किया था। देखिए इस तरह से हम इसे ऊपर डालेंगे हम इसमें मोज़रेला चीज। पैन में बनाएंगे। ये देखिए चलिए दूसरी स्लाइस बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए दूसरी स्लाइस पर मैंने, जिस पे मैंने पिज्जा सॉस नहीं लगाया है, बटर की साइड नीचे है, मैंने थोड़ा सा मेयोनेज अप्लाई किया है और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो सॉस। इसे भी अच्छे से इवनली स्प्रेड कर दें। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये, आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। उन्हें जो भी वेजिटेबल पसंद है आप उनके हिसाब से वेजिटेबल ऐड करें। मैं थोड़ी सी कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा कॉर्न ऐड करेंगे। एकदम पिज्ज़ा वाला फ्लेवर आएगा आपको इसमें। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे मोज़रेला चीज। ये देखिए फोर हमारी ब्रेड पिज्जा स्लाइसेस रेडी हो गई है। चलिए अब हम इसे कुक करेंगे। ये देखिए नॉनस्टिक पैन लिया है मैंने और बहुत थोड़ा सा ऑयल से मैंने पैन को ग्रीस कर लिया है और गैस का फ्लेम लीस्ट फ्लेम पे रखेंगे हम, एकदम लो फ्लेम पे, ताकि अच्छे से हमारा चीज मेल्ट हो और हमारी जो पिज्जा है वो अच्छे से बन जाए। देखिए एट ए टाइम दो स्लाइसेस रख रही हूँ मैं और इसे कवर करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए चीज मेल्ट होने तक कुक करेंगे। चलिए 3 मिनट्स हो चुके हैं। ये देखिए चीज मेल्ट हो रहा है, अब हम इसे निकाल लेंगे। हमारा ब्रेड पिज्जा रेडी हो गया है। मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए एकदम परफेक्ट। चलिए इसे डिश आउट करके आपको बताएंगे। ये देखिए रेडी हो गया है हमारा सिंपल इजी होममेड ब्रेड पिज्जा, बहुत ही मज़ेदार, चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है, बहुत अच्छा बनता है ये। आप भी ज़रूर ट्राई करें इसे, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं इसे। आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं या फिर स्नैक्स के तौर पे भी घर पे बना सकते हैं। ईजिली अवेलेबल इन्ग्रीडियंट से बनता है ये। आप ज़रूर ट्राई करें हमारी ये रेसिपी और बताएं आपको कैसी लगी हमारी ब्रेड पिज्ज़ा की ये सिंपल रेसिपी। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हैदराबादी फूड हब को। थैंक यू एवरीवन।